morning, student. Today I will teach you a new lesson from English grammar, class 4th. Lesson number 9. Lesson name है conjugation of verbs. Okay? तो verbs मैंने बताया कि आपको कि verb means क्या होते हैं, कोई action word, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कुछ ना कुछ action करते हैं, उन्हें हम verbs बोलते हैं. ठीक है? तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे verb के conjugation के बारे में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि conjugation क्या है. Okay? Let's read about the conjugation. Conjugation means giving the different forms of a verbs. यानी conjugation means होता है कि verbs के different form को बताना. उसे हम क्या बोलते हैं? Conjugation बोलते हैं, जिसमें हमें verb के different forms मिलती है. Okay? A verb can have three different forms. और हम जानते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है. वर्ब की थ्री डिफरेंट फॉर्म होती है. ठीक है? तो वर्ब की सबसे पहली फॉर्म कौन सी है? प्रेजेंट और इन्फिनिटिव. ओके? सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की पास्ट फॉर्म. ओके? एंड थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है? और अपनी सुविधा के लिए हम इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं. वी वन मीन्स verb की first form, V2 means verb की second form and V3 means verb की third form. Okay? तो हमने अभी conjugation के बारे में पढ़ा कि conjugation means होता है verb की three different form को बताना. Okay? उसे हम क्या बोलते हैं? Conjugation बोलेंगे. Okay? Okay, student. यहाँ मैंने कुछ verbs की form लिखी है. यहाँ पे मैंने लिखा है most verbs take the ed or t in their v2 and v3 forms. कुछ verbs में क्या होता है? कुछ verbs की second form और third form में उनमें क्या है? d आते हैं, e भी आते हैं, ed आते हैं और t भी आते हैं. verb के second form में और third form में. we call them weak verbs. हम उन्हें क्या बोलते हैं? weak verbs बोलते हैं. ठीक है? जैसे कि प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने लिखा है वॉक. ठीक है? पास्ट फॉर्म में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में मैंने लिखा है वॉक. में क्या हो गया? वॉक. यहां पे क्या हुआ लास्ट में? यहां पे लास्ट में आया ईड. ओके? और वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में आ गया, ये यहां पे भी वॉक आया. तो हमने मैंने समझाया आपको अभी कि वर्ब की कुछ वर्ब्स में उनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या आता है? वी आता है, ओके? सेकंड है वॉन्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म में मैंने लिखा है वांटेड, ईडी. ओके? एंड थर्ड फॉर्म में क्या आएगा? वांटेड में ईडी आएगा. ओके? नंबर थर्ड में मैंने लिखा है लाफ. वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? लाफ, ईडी आया. और थर्ड फॉर्म में क्या आएगा? लाफ, ईडी आएगा. ओके? इसके बाद है लीव. तो लीव को हम सेकंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रीड, ईडी आया. और थर्ड फॉर्म में भी क्या आएगा? लीव, ईडी लास्ट में आया. ठीक है? लास्ट हमारी वर्ब है स्पेंड. तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे स्पेंड को? स्पेंड. लास्ट में क्या आया? पे लास्ट में आया पे टी. और वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या आएगा? स्पेंड. ओके? तो ये थी हमारी वीक वर्ब्स. जी वर्ब्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी आता हो, ईडी आता हो या फिर टी आता हो, ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? वीक वर्ब्स. ओके? ओके चिल्ड्रन, यहां पर मैंने लिखा है सम वर्ब्स चेंज देयर इनसाइड वोवल्स इन द वी टू एंड वी थ्री फॉर्म्स. वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. कुछ वर्ब्स में क्या होता है? जो उनके वोवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. वोवल्स मीन्स जो ए ई आई ओ यू है, ये क्या हमारे वोवल्स है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में चेंज जाते हैं. वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है? एज जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा है सी, तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या चेंज हो जाएगा? सॉ.
तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्स था डबल ई था हमारा वॉल्स, तो यहाँ पे ई के बजाय क्या हो गया ए हो गया और डब्ल्यू आ गया, तो सी का क्या हो गया वर्ब के सेकंड फॉर्म में सॉ और वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद है कम, वर्ब के सेकंड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ओ का क्या हो गया यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉवल्स चेंज हो और फिर से ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में कम हुआ, ओ यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये ए से फिर यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, ये हमारा वॉवल्स चेंज हुआ। फिर है बिगिन, यहाँ पे बी ई जी आई एन और यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या हुआ बी ई जी ए एन, आई के बदले क्या चेंज हुआ ए और वर्ब के थर्ड फॉर्म में बिगन ए के बदले यू। ठीक है, इसके बाद है टीच, टीच का वर्ब का सेकंड फॉर्म में क्या हुआ टॉट और थर्ड फॉर्म में टॉट। लास्ट है स्पीक, सेकंड फॉर्म में क्या चेंज हुआ स्पोक ओके और थर्ड फॉर्म में स्पोकन। ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसमें हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी, तो सेकंड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बी का हो जाएगा वॉज और थर्ड फॉर्म में बी। सेकंड नंबर पे है बीट, बीट का वर्ब के सेकंड फॉर्म में बीट ही रहेगा और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा बीटन। इसके बाद है बिकम, सेकंड फॉर्म में हम लिखेंगे बिगेन एंड थर्ड फॉर्म में बिकम। इसके बाद है बिगेन, सेकंड फॉर्म में हम लिखेंगे बिगेन एंड थर्ड फॉर्म में बिगन। फिर है बैड, बैड का हम सेकंड फॉर्म में बैड एंड थर्ड फॉर्म में बैड, बैड बैड को हम सेकंड फॉर्म में बैड भी लिखेंगे और थर्ड फॉर्म में भी हम इसे बैड लिखेंगे। इसके बाद है बाइंड, बाइंड को सेकंड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बाउंड और थर्ड फॉर्म में भी हम इसे लिखेंगे बाउंड। फिर है बाइट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिट और थर्ड फॉर्म में बिटन। इसके बाद है ब्लीड, सेकंड फॉर्म में ब्लेड और थर्ड फॉर्म में ब्लेड। इस टाइप से आपको यहाँ मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म सीखी है, आपको इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको खुद फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ब्लो ब्री ब्री ब्यूल बर्न बाय कैच चूज और लास्ट है कम। आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको खुद फिल करनी है। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है द आई एन जी फॉर्म ऑफ वी वन, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी को एड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है एच आई टी हिट प्लस आई एन जी, साथ में आई एन जी एड करना है, हम इसे लिखेंगे हिट का क्या हो जाएगा हिटिंग जब हमने उसमें आई एन जी एड किया। एस डबल ई सी इसमें हमें आई एन जी एड करना है, हमने जब इसमें आई एन जी एड किया तो ये वर्ड वैसे ही रहा एस डबल ई आई एन जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। इसके बाद है सी ओ एम ई आई एन जी और हमें कम में आई एन जी एड करना है सी ओ एम आई एन जी, और जब हमने इसमें आई एन जी एड किया तो जो हमारा ई है वो वहां से हट गया। ठीक है, तो जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी एड करते हैं उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपेट होते हैं, जब भी हम आई एन जी एड करते हैं तो ई का आई बन जाता है। ठीक है, तो उनमें उनकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन को पुट आउट होता है, इसे क्वेश्चन पुट आउट होता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन क्या है कैन यू गिव द प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स आई एन जी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई है और हमें इनमें आई एन जी एड करके जो वर्ड बनेगा हमें यहाँ पे वो फिल करना है। ओके okay?
पहले लिखा है एल आई ई प्लस आई एन जी। तो जब हमने इसमें आई एन जी ऐड किया तो ये क्या बना, फ्लाइंग। एल आई ई था लेकिन जब आई एन जी ऐड हुआ तो ये सीधे क्या बन गया, एल वाई आई एन जी। आई और ई का क्या बना, वाई बना। ओके, टी आई ई आई एन जी। मैंने बोला था ना जब भी हम किसी वर्ब में, किसी किसी वर्ब में क्या होता है, जिसे हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ा था ना, हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब हमने क्या पढ़ा था कि उनके वर्ब्स चेंज होते हैं, सेम वही वे में हम इन वर्ब को फिल करेंगे। ठीक है ना, इनके क्या हो रहे हैं, इनके वर्ब्स चेंज हो रहे हैं। आई का क्या हमने यहाँ पे वॉय हो गया, टी आई ई, इससे हमें आई एन जी ऐड करना है तो टी वाई आई एन जी। आई और ई का क्या बना, वॉय बना। एस ई टी प्लस आई एन जी, सेटिंग। तो सेटिंग में हम जब इसमें आई एन जी ऐड करेंगे तो डबल टी हो जाएगा सेटिंग, टी आर वाई आई एन जी। तो ये सेम वही होगा, टी आर वाई आई एन जी, ट्राइंग। सी यू टी प्लस आई एन जी, हमें कट में आई एन जी ऐड करना है तो क्या बनेगा, कटिंग, डबल टी हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपको इन वर्ब्स में आई एन जी ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है कि वो वर्ब कौन से बनेगी। ठीक है, या तो कल करोगे जैसे बी यू वाई वाई प्लस आई एन जी, आपको यहाँ पे खुद भी करना है। एस एच यू टी शॉर्ट प्लस आई एन जी, आपको यहाँ पे खुद लिखना है। हैव प्लस आई एन जी, ली प्लस आई एन जी, मूव प्लस आई एन जी, आप लिखोगे ये यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन यू राइट दीज वर्ब्स विद एस ऑब्लिक ई एस। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई है, हमें इनमें क्या ऐड करना है, हमें इन वर्ब्स में एस या फिर ई एस को ऐड करना है जो सही हो। अगर आपको लगता है इस वर्ब में एस ऐड होगा तो आप इसके लास्ट में एस ऐड करोगे, अगर आपको लगता है कि इस वर्ब के लास्ट में ई एस ऐड होगा तो आपको वहां पे ई एस ऐड करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है डू, डू में आपको एस भी ऐड कर सकते हो आप और ई एस भी ऐड कर सकते हो, जो आपको सही लगता हो। ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया, डी ओ ई एस, यहाँ पे सही लगा ई एस का, तो हमने यहाँ पे ई एस ऐड किया। इसके बाद है गो, आपको इसमें एस और ई एस में से एक ऐड करना है, तो हमने क्या ऐड किया, जी ओ ई एस, हमने यहाँ पे ई एस ऐड किया। फिर है ट्राई, हमने ट्राई में क्या ऐड किया, ई एस ऐड किया, इसलिए इसको वापस क्या चेंज हुआ, वॉय था, लेकिन वॉय की जगह क्या आया, यहाँ पे आई आर। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है उनके वॉवल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप राइस में आपको जो से लगता है, अगर आपको एस से लगता है तो आप यहाँ पे एस ऐड करोगे, और अगर आपको लगता है कि ई एस से तो आप यहाँ पे ई एस उस वर्ब के साथ ऐड करोगे। लास्ट है टीच, इसमें जो आपको सही लगता है, अगर आप चाहते हैं कि हमें, अगर आपको लगता है कि एस यहाँ पे हमें ऐड करना है तो आप एस को ऐड करोगे, और अगर आपको आपको लगता है कि ई एस सही है तो आप यहाँ पे ई एस ऐड करना है वर्ब के लास्ट में। ओके ओके चिल्ड्रन, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको लेसन पढ़ना है, अच्छे से आपको समझना है, और जितनी हमने इसमें वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी आपको वो लर्न करनी है और अपने नोट में आपको मेंशन करनी है। ठीक है, और जितनी हमने इसमें एक्सरसाइज करी है आपको आपके नोटबुक में और बुक में आपको मेंशन करनी है। ओके ओके, थैंक यू।